Hey guys, it's Tripti here. Welcome to my channel. So this video is going to be a review of Kavita Kane's Karan's Wife. A lot of you have asked me to make it in Hindi. I have already made it in English. So if you want to watch it in English, I will leave a link above. You can check it out. This review is going to be in Hindi. So shuru karte hain. पहली बात तो इस बुक का टाइटल ही इतना इंटरेस्टिंग है कि कोई भी इसको पढ़ के इसको एक्चुअली पढ़ना चाहेगा. करण्स वाइफ. करण ऑलरेडी एक निगलेक्टेड कैरेक्टर है हमारी माइथोलॉजी में. एंड करण्स वाइफ के बारे में तो मैं एक्चुअली मैं कुछ भी नहीं जानती थी इस बुक को पढ़ने से पहले. तो करण की वाइफ जो है वो उनका नाम उर्वी था और वो पुक्या राज्य की प्रिंसेस थी. नाउ उस समय पर क्या होता था कि जो भी ऊंचे घराने की महिलाएं होती थी, प्रिंसेस होती थी, राजकुमारियां होती थी, उनको अलाउड नहीं था कि वो अपने से नीचे घराने के लड़कों से शादी कर सकें, उनके साथ रह सकें. बट उर्वी जो थी वो उनको करण को पहली बार देखते ही उनसे प्यार हो गया था. तो उन्होंने अपने माता पिता को बहुत समझाया, सोसाइटी को बहुत समझाया एंड फाइनली उनकी शादी एक सुपुत्र करण से हो गई. हालांकि हम सबको पता है वो सुपुत्र थे नहीं. अब सबसे अच्छी बात इस बुक की ये है कि इस बुक में सिर्फ और सिर्फ करण और उर्वी की लव स्टोरी नहीं है, इसमें बहुत कुछ और बातें भी हैं. इट इज़ लाइक कि आप मिनी महाभारत पढ़ रहे हैं. इसमें सब कैरेक्टर्स हैं पर सब ऑफकोर्स उर्वी और करण से रिलेटेड हैं. और इस बुक को पढ़ने के बाद एटलीस्ट मुझे तो बहुत सारी नई नई बातों का पता चला, जो आई एम श्योर कि अगर आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं पे तो शौक लगेगा. मुझे तो बहुत बार शौक लगा था पढ़ते पढ़ते. जैसे कि नियोग प्रथा के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था. नियोग प्रथा क्या है? जिसमें एक वाइफ को अलाउड होता है, मतलब शी एक्चुअली गेट्स परमिशन फ्रॉम हर हस्बैंड कि शी कैन कंसीव अ चाइल्ड फ्रॉम अनदर मैन. मतलब वो प्रेग्नेंट हो सकती है किसी और आदमी से अपने पति की परमिशन से. इट इज़ वेरी वैसे माइंड ब्लोन काइंड ऑफ अ थिंग जो हमें समझ नहीं आ सकती. इस हिसाब से अगर सोचा जाए तो वो टाइम सोच के मामले में शायद हमसे ज़्यादा मॉडर्न था, क्योंकि ऐसा कहीं देखा नहीं गया, पता नहीं, या मुझे शायद इस बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं, पर उस टाइम पे ये सब होता था. और देखा जाए तो महाभारत में शुरुआत से ही नियोग प्रथा चली आ रही है. जब आप बुक पढ़ेंगे, है मैं आपको ज़्यादा नहीं बताना चाह रही हूँ, बट आप बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा नियोग प्रथा कहाँ कहाँ एक्चुअली में यूज़ हुई है. अदर देन नियोग प्रथा, इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं, इसमें सभी कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में बहुत सारी शॉकिंग बातें इसमें रिवील की गई हैं. कुछ बातें पढ़ के तो मुझे सच्ची में ऐसा लगा कि हाँ, एक्चुअली दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि ये भी शायद हुआ होगा. उसने काइंड ऑफ महाभारत को ट्विस्ट दे दिया जब ये बुक मैंने पढ़ा था. तो मैं डिटेल में ऑफकोर्स नहीं बता रही हूँ आपको, बट अगर आप चाहते हैं कि हम इस बुक की डिटेल डिस्कस करें, जो आई वुड लाइक रियली लव टू डू इट, क्योंकि ये बुक मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स बन चुकी है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं एंड मैं डिटेल डिस्कस करूँगी आपके साथ अनदर वीडियो में. पर अभी के लिए आप जब इस बुक को पढ़ेंगे तो कुछ कैरेक्टर्स हैं जिन पर आप ऑफकोर्स फोकस करें शुरुआत से ही, जैसे कि कुंती माँ और द्रौपदी. देखो, द्रौपदी जो है वो महाभारत का हमेशा से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही है, सेंटर पॉइंट वहाँ पे रही रही है. पर इस बुक में अदर देन जो हमें बातें ऑलरेडी पता हैं, जो हमने वीडियोस में देखी हैं, जो हमने अपने पेरेंट्स से सुनी हैं, उसके अलावा भी कुछ बातें ऐसी हैं जो आपकी आँखें खुली की खुली रह जाएंगी वो पढ़ के कि अच्छा ऐसा भी है. इसीलिए कविता काने ने एक्चुअली में बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क किया है अपनी बुक के लिए. इसीलिए आई एडमायर इस बुक को पढ़ने के बाद. मुझे यही लगता है कि महाभारत के समय पे कोई भी अपनी जगह पे सही नहीं था, चाहे फिर वो पांडव हों, कौरव हों. कृष्ण की बात हम ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि ऑफ कोर्स वो तो भगवान थे, वो ये सब रच रहे थे, तो उन्होंने तो लीलाएँ रची अपनी. पर पांडवों को हम मानते हैं कि उनके साथ सब बुरा हुआ और इसीलिए महाभारत हुई थी, बट ऐसा नहीं है. अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पांडव भी बहुत जगहों पे गलत थे.
पूरी बुक में, अब ये कह भी सकते हैं कि ये बुक करण के बारे में है, करण की वाइफ के बारे में है, तो हमें वो ही ठीक लगेंगे, बट ऐसा नहीं है। आप बुक को पढ़ेंगे, आप यू विल जेन्युइनली फील कि करण जितना अच्छा इंसान उस एरा में नहीं था। सिर्फ वो ही एक बंदा था जो बिल्कुल सही था अपनी जगह पे। और मैं एक वार्निंग आपको और दे देती हूँ कि पढ़ते पढ़ते ऐसा हो सकता है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाए, मेरी आंखों में आ गए थे, तो एक टिश्यू पेपर अपने साथ रखिएगा पढ़ते पढ़ते। प्लीज जाइए इस बुक को पढ़िए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज करिए, एंड इफ यू लाइक द वीडियो गिव मी अ थम्स अप, एंड थैंक यू, बाय।